बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनीर अहमद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनीर आई टी एक्सपर्ट। और आज आपके लिए एक लिंकसिस का सिस्को का राउटर लेके आए हैं, और इसके अंदर आज आपको यूज़र जो डालेंगे और इसका सारा का व्यू दिखाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो अभी हमने इसका वायरलेस पेज खोला, ये पासवर्ड लगाया हुआ है। आपने वायरलेस सिक्योरिटी अगर चेंज करनी है तो यहाँ से आप वायरलेस सिक्योरिटी, ठीक है, और पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर 50 मिनिमम आपका मैक एड्रेस ऐड कर सकते हैं, तो डिवाइसेस अटैच करके मैक एड्रेस उनका ऐड कर सकते हैं। तो उसके अलावा इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपके लिए बहुत कारामद साबित होंगे। तो ये लिंकसिस का राउटर है, और इसमें एक तो है कि रिमोट एक्सेस भी है, और दूसरा ये है कि इसकी जो पैकेट लॉस होते हैं वो पैकेट लॉस नहीं करता होता, ठीक है। इसकी थोड़ी सी नेटवर्किंग डिफरेंट है, आम टेंडा का राउटर लोग इस वजह से यूज़ करते हैं कि वो सिंपल होता है। इसमें वेबसाइट बंद करनी है तो वेबसाइट भी बंद कर सकते हैं, कोई लिंक बंद करना, कोई सर्वर बंद करना, ठीक है, तो वो भी इसमें से ऑफ कर सकते हैं आप। स्केजलिंग लगा सकते हैं, पेरेंट कंट्रोल। उसके बाद रिमोट मैनेजमेंट अगर करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। पहले आपको एडमिन से पासवर्ड सेट करना होगा, HTTP पे हम सेट करते हैं। उसके बाद हमने उसको पोर्ट दे देनी है, SSH पोर्ट है। उसके बाद मैं स्टेटस में अभी जाता हूँ, स्टेटस में जाके अपना IP कॉपी कर लेना है। IP कॉपी करके आपने गूगल में टाइप करना, साथ कॉलन टाइप करना, साथ उसकी पोर्ट टाइप करनी है, ठीक है। तो आप इसको मतलब कि रिमोट एक्सेस से भी ऑन कर सकते हैं। तो सेटिंग का थोड़ा सा इशू होता है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद है आपको यह भी अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए।